तो आपका जो मॉड्यूल का चैप्टर है, चैप्टर 3 है, या इसको स्टडी नोट के नाम से लिखा गया है, तो स्टडी नोट 3 है, और डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल इसका नाम है। ये चैप्टर भी इजी है, थियोरेटिकल है कम्प्लीटली, तो इसे समझना भी बहुत जरूरी है। चलो इसको आगे लेके चलते हैं एकदम। तो ये क्या कहता है, देखो सबसे पहले ना इस चैप्टर का नाम तो अपना क्या है, अपना चैप्टर का नाम है डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम एंड कंट्रोल, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसका कंटेंट क्या है उस कंटेंट को बताते जाऊंगी और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले ना अपने जो कंटेंट है इसमें ना, अपने 5 कंटेंट है वैसे तो सबसे पहले कंटेंट का नाम अपना जो आता है वो अपना प्रोडक्ट डिजाइन आता है, तो प्रोडक्ट डिजाइन नाम आता है, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइन तो हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो जो अपना प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो आपकी टेंजिबल हो चाहे वो आपकी इनटेंजिबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब विच यू कैन सी एंड टच, यू कैन फील, और इनटेंजिबल जिसमें आप इसको आप टच नहीं कर सकते है ना, लेकिन आप फील कर सकते हो, लाइक सर्विसेज वगैरह होती है, वो क्या आपकी इनटेंजिबल है। सर्विसेज आप फील कर सकते हो, रिसीव करते हो, जैसे आप अभी क्लास ले रहे हो तो ना, आप इस क्लास में आपने सर्विस ली, आपने इसको समझा, तो ये आपके ब्रेन में है, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके ब्रेन में है, तो इनटेंजिबल है, और टेंजिबल आपको पता ही है। तो अगर प्रोडक्ट जो है दो तरीके का, तो आप प्रोडक्ट तो आपके दो तरीके हो गए, टेंजिबल इनटेंजिबल, उसके बाद में हम प्रोडक्ट डिजाइन समझेंगे। तो सबसे पहले देखो प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में कहता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने सोचा ना कि ना, जैसे हम सोचते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी चीज हमें बनानी है, जैसे हमें मोबाइल बनाना है, चाहे हमें चाहे कोई आयरन बनाना है, चाहे लैपटॉप बनाना है, चाहे वॉशिंग मशीन बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है हमको, चाहे अगर हम इनटेंजिबल की बात करें तो जैसे कोई मोबाइल ऐप होता है या कोई अपना सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सब भी क्या है अपने, ये सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ये भी क्या होते हैं अपने प्रोडक्ट ही। आप सॉफ्टवेयर के पेमेंट करते हो कि नहीं करते, आपने कभी एंटीवायरस खरीदा होगा, डेट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो उसका आपने पेमेंट करा, बिकॉज वो एक आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। मोबाइल ऐप आपकी कोई है, अगर आप उसका कोई पेमेंट करते हो, कोई गेम है तो आप उसका कोई पेमेंट करते हो, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट के रूप में, आप चाहे उसको आप टच नहीं कर सकते, बट यू आर गेटिंग सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ सच थिंग्स, ठीक है, तो वो क्या आपका प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले क्या होता है कि डेफिनेशन बोलता है, अगर प्रोडक्ट डिजाइन की एक डेफिनेशन बोले तो ये डेफिनेशन अपनी, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को क्रिएट करना प्रोडक्ट डिजाइन है, लेकिन कैसे, बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग टू एंड का मतलब होता है, सबसे पहले हमने सोचा कोई ऐसी चीज हम दुनिया में बनाए जो नहीं थी पहले, या ऐसी कोई चीज बनाए जो दुनिया में थी पहले। तो अगर दुनिया में नहीं थी कोई ऐसी चीज, तो ऐसी चीज कौन सी हो सकती है, जैसे सपोज अभी आप, जैसे हमने एक प्रोडक्ट खरीदा था कुछ दिन पहले, जो आपका मोबाइल से कनेक्ट होके ना, एक जो ये अपने रिस्ट वॉच होती है ना, उसकी जगह बनता है ना रिस्ट वॉच पे, एक मोबाइल का स्मार्ट स्मार्ट रिस्ट वॉच, वॉच हाँ स्मार्ट वॉच आने लग गई, ठीक है, तो स्मार्ट वॉच आने लग गए। अब स्मार्ट वॉच में क्या क्या है मालूम है आपको, कि हमने स्मार्ट वॉच बांधा, उसमें व्हाट्सएप भी वहीं रिसीव हो रहा है, आपको ना मोबाइल पॉकेट से निकालने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से ना, किसी का फोन आता है वहीं से आप रिसीव कर सकते हैं, आप अपने रिस्ट जो स्मार्ट वॉच है उसी स्मार्ट वॉच से आप बात कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ कंट्रोल आप क्या कर सकते हो, अब सिर्फ आपकी कलाई है, अपने हाथ को अपने पास में लेके आओ, सुनो देखो बोलो। सो वॉट एवर यू डू विद अ बिग साइज मोबाइल, यू कैन डू अ स्मॉल साइज, जो रिस्ट साइज की रिस्ट साइज वॉच होती है उसके जैसा ही स्मार्ट वॉच आता है, बिल्कुल जैसे आपकी घड़ी हो, बिल्कुल ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई ये भी एक मोबाइल है क्या, मतलब वो मोबाइल ही है क्या, तो वो मोबाइल ही है एक्चुअली। यू कैन मेक कॉल्स, यू कैन रिसीव कॉल्स, यू कैन सेंड मैसेज, यू कैन रिसीव मैसेज, तो ये स्मार्ट वॉचेस आने लग गई। तो अभी पहले तो मोबाइल आते थे वही बड़ी बात थी, अब उसके बाद में मोबाइल की जगह ये आने लग गए, तो अब पहले तो ये सोचना भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि उससे पहले तो कभी लैंडलाइन हुआ करते थे, राइट, पहले तो कभी लैंडलाइन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन से पहले किसी ने शायद ही कल्पना की होगी कि मोबाइल नाम की चीज, क्योंकि मोबाइल तो इंडिया में 2000 ईयर 2000 से बहुत ज्यादा आने लगा था, ठीक है, और ईयर 2000 से अपना कंप्यूटर्स वगैरह आने लगे थे, ठीक है, ज्यादा यहीं से ज्यादा चलन हुआ, तो ये जो ईयर 2000 है वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग टाइम है, मतलब 1999 तक तो आप समझो कि एक ओल्ड पीरियड था, 2000 जैसे ही कि ऐसा फिगर है 2000 का, जिसके बाद में बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, ठीक है, तो आपका जो स्मार्ट वॉच, इसके बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद स्मार्ट वॉच आया, तो सोचो कि इसके बाद में किसी ने ये सोचा होगा कि कोई एक ऐसी चीज बनाए जो मतलब अपन लेके किसी से बात करनी हो तो अपन दुनिया में किसी भी कोने में जाए वहीं पे खड़े खड़े बात करें, कोई ऐसी चीज हो जो मुट्ठी में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो आप उससे, डिवाइस ऐसा हो कि हथेली में, कहते ना वो जियो ने अपना एक एड निकाला था कि
कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मतलब मोबाइल आपके हाथ में और उस मोबाइल से आप सारे फंक्शन कर सकते हो जो कि एक लैपटॉप कर सकता है. आजकल देखो लैपटॉप को शायद जो लैपटॉप कर सकता है इतना बड़ा डिवाइस है उसको एक मोबाइल कर सकता है, एक छोटा सा डिवाइस. तो छोटी सी, आप कई लोग बच्चे लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं तो कई बच्चे अपने मोबाइल से भी क्लास ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? वो छोटा सा डिवाइस भी इज डूइंग ऑल दोज वर्क विच अ लैपटॉप कैन डू. तो इसका मतलब क्या है, वो एक प्रोडक्ट है. तो वो प्रोडक्ट जो है, हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज चाहे पहले से, जैसे मोबाइल थी पहले कभी था नहीं, लैंडलाइन हुआ करते थे, तो लैंडलाइन भी कभी थे नहीं, उससे पहले क्या करते थे, एक ऐसे आपने देखा होगा एक कप है और उसमें एक धागा बांधा है, फिर एक और कप है, तो एक पार्टी यहाँ से कान पर सुन रही है, एक पार्टी यहाँ से बोल रही है, राइट? आपने देखा है कभी ऐसे मूवीज के अंदर? तो हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट ने हमको ये कॉन्सेप्ट दिया. फिर इस कॉन्सेप्ट के बाद में हमने सोचा कि मूवेबल होना चाहिए. मोबाइल इज मीन्स व्हाट? मोबाइल मीन्स मूवेबल. मोबाइल का मतलब होता है जो घूम सकती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको मोबाइल बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जो आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए, ट्रेवल करते हुए आप यूज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. अब ये स्मार्ट वॉच आया, तो अब ये प्रोडक्ट जो थे ना स्मार्ट वॉच, अब स्मार्ट वॉच सबने सोचा यार मोबाइल भी जेब से निकालो या इधर उधर, है ना, उतना भी क्यों तामझाम, हाथ को भी जो अपने हैंड्स है वो भी अगर फ्री रहते रहते भी हम बात कर सके तो ज्यादा बढ़िया है ना. तो फिर हमने इसके बारे में सोचा. अब इसके बारे में सोचा तो ये पहले अभी, ये अभी डेवलप हुए हैं, बहुत पहले अभी डेवलप हुआ है स्मार्ट वॉच, तो रिसेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो अभी डेवलपमेंट हुआ है. तो सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट का दिमाग में आइडिया आता है. सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आइडिया आता है. आइडिया को हम बोलते हैं बिगेनिंग. तो बिगेनिंग का मतलब सबसे पहले आपको कोई चीज का थॉट्स आएगा कि हमें कोई चीज बनानी है. तो बिगेनिंग मतलब थॉट्स. बिगेनिंग का मतलब क्या होता है? थॉट्स या आइडिया कि भाई हमको कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है जो हमारी इन इन चीजों को या हमारी इन इन काम को पूरा कर दे. तो मोबाइल भी आजकल रखना लोगों को ना बड़ा वो लग रहा है, तभी तो लोग ईयर प्लग लगा के या हेडफोन लगा के घूमते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लोग जॉगिंग कर रहे हैं तो उस वक्त भी लोग कान में ईयर प्लग, या क्यों? क्योंकि मोबाइल भी लोगों को ना तकलीफ दे लग रहा है. मोबाइल इज गुड थिंग बट वो भी तकलीफ दे लग रहा है, उसको भी लोग कन्वीनियंट बनाना चाह रहे हैं, तो ईयरफोन ईयर हेडफोन ये डेवलप हो गए. तो हमारी नीड या हमारा कोई आइडिया या हमारा कोई विचार आते हैं, उसके बाद में हम उस चीज को बनाने में लग जाते हैं हमारी नीड को फुलफिल करने के हिसाब से. सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? पहले हमारे को कोई नीड जनरेट हो या हमारे कोई थॉट्स दिमाग में आए, फिर वो थॉट्स को हम क्या करते हैं, किसी पेपर के ऊपर हम उसका स्केच बनाते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं कि भैया ये ऐसे ऐसे चीज हमको बनानी है, तो उसका रफ स्केच बनाते हैं, फिर उसको बाद में हम उसको फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद में हम उसका डेवलपमेंट करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. फिर हम उस फाइनल प्रोडक्ट को यूज करके देखते हैं कि क्या वो हमारे काम का है या फिर वो नहीं है. तो काम का है तो फिर चलो उसके बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स, हजारों आइटम्स बना के मार्केट में बेचो. ये है बड़ा बड़ा प्रोडक्ट डिजाइन. आप डिजाइन से मतलब, अभी हाल फिलहाल डिजाइन का मतलब बहुत कुछ होता है, पर डिजाइन का मतलब ये ना समझना कि मैं अभी डिजाइन की बात कर रही हूँ, मैं किसी चीज के अट्रैक्टिव लुक की बात कर रही हूँ. यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब बहुत कुछ है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको प्रोडक्ट डिजाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा. प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब केवल डिजाइन नहीं होता है. अभी सिर्फ इतना समझना है कि प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट एक प्रोसेस है जो हमको शुरू से लेकर अंत तक जो भी करना है वो सब डिजाइनिंग में आ जाता है, वो सब डिजाइनिंग में आ जाता है, ठीक है? तो हमने क्या देखा, और हमने ये देखना है कि अगर हम सबसे बात बड़ी बात करें तो एट मोस्ट बेसिक लेवल प्रोडक्ट कुछ नहीं है. एक प्रोडक्ट एक क्या चीज होती है, कोई सॉल्यूशन है दैट इज सोल्ड टू फुलफिल अ नीड, हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए या हमारी जरूरतों को पूरी करने का जो इंतजाम है वो एक प्रोडक्ट होता है. जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, हमारी इच्छाओं को हमारे नीड्स को फुलफिल करने की कोई वस्तु है वो प्रोडक्ट है. बेसिक लेवल पर, बेसिक लेवल का मतलब होता है कि हम एडवांस लेवल पे किसी चीज को ना बताएं, अगर हम बहुत साधारण तौर पे बताएं तो प्रोडक्ट क्या है, कोई ऐसी चीज जो हमारी हमारी समस्याओं को सॉल्व कर दे, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, ठीक है, दैट इज अ प्रोडक्ट. अब देखो फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा what type of things can product a designer can make. इसके पहले हम और भी आगे चलते हैं. देखो नहीं अभी कुछ नहीं लिखना, ये सब मैं आपको भेज दूंगी, आप कुछ मत लिखो जब तक मैं ना बोलू ना, अभी कोई अपने ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? देखो ये मैं आपको कुछ दिखाने चाह रही थी, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. अच्छा दिख रहा है, ठीक है. जैसे सोचो, हाँ जी बोलिए. कुछ नहीं, ठीक है. तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो अब जैसे हमने सोचा कि
जैसे बल्ब है, अब दिस बल्ब इज अ प्रोडक्ट, बल्ब खुद क्या है, एक प्रोडक्ट है कि नहीं है? अब इस बल्ब को देखो क्या कर रहे हैं, कोई आदमी इसको कहां से जज कर रहा है, कोई इसको कहां से जज कर रहा है, कोई इसको कहां से ये एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि कोई बल्ब है बनाना है तो बल्ब के लिए कोई हमको डिजाइन सोचना होगा, फिर उसको चेक करना होगा, फिर उसको फाइनलाइज करना होगा, फिर हम उसको यूज करेंगे। तो ये एक छोटा सा एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को हम सोच रहे हैं, फिर हम उसको बना रहे हैं, फिर उसकी उसकी यूटिलिटी हमारे लिए क्या है ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं और आगे जाती हूँ, एक सेकेंड, है ना। आपने देखा होगा कि मार्केट में जैसे हम चेयर खरीदने चले गए, सोफा खरीदने चले गए या कोई कंफर्ट चेयर खरीदने चले गए, तो देखो आप चेयर भी अगर देखोगे तो आपको देखो आप चेयर्स देख पा रहे हो, कितने तरीके की चेयर्स वगैरह हैं, दिख रही है। अब आप बताओ कि आपको इन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? किसी को, चलो मैं पूछती हूँ, मोहित तुम बताओ तुम्हें कौन सी चेयर अच्छी लग रही है, इनमें से कोई एक चूज करनी हो तुम्हें तो। जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कौन से नंबर की चेयर अच्छी लग रही है तुम्हें? मोहित को, मोहित, अच्छा फिफ्थ नंबर की अच्छी लग रही है, चलो मोहित को फिफ्थ अच्छी लग रही है। आपको कौन सी अच्छी लग रही है? रिद्धि विजय, नहीं सॉरी रिद्धि क्यों बोल रही, रिया विजय, रिया आपको कौन सी चेयर अच्छी लग रही है? सिक्स नंबर अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये राधिका आपको कौन सी अच्छी लग रही है? आपको नंबर 3 अच्छी लगी क्या? ये भी एक चेयर है। तो देखो आपको अच्छी लग रही है, क्यों अच्छी लग रही है कि क्योंकि आपकी आंखों को कोई चीज अपील कर रही है, आपकी आंखों को कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज आपको अच्छी लग रही है। तो देखो प्रोडक्ट डिजाइन में ना हम डिजाइन की तो बात करेंगे, ठीक है, डिजाइन की तो हम बात करेंगे, तो डिजाइन की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि देखो आपको कोई चीज क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, फिर वो चीज अट्रैक्ट करती है तो हम उस चीज को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर मोहित को ये चीज अच्छी लगी तो हम इस चीज के नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर किसी को ये चीज ज्यादा डिमांड में तो हम इसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कोई भी चीज का पहले क्या है, हमने कितने तरीके की क्या कर दी, स्केचिंग बना ली या डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना ली, इनमें जो डिजाइन ज्यादा हमारे डिमांड में होगी हम उस डिजाइन को क्या करेंगे, आगे मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड, हर बार यहाँ पे आपने देखा कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, कभी कोई प्रोडक्ट अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो हमारी लाइफ के अंदर, है ना, उसको अगर हमें बनाना है तो आपने देखा कि अगर कि फॉर एग्जांपल ये साइकिल दिख रही है आप लोगों को, व्हील चेयर दिख रही है आप लोगों को, अब व्हील चेयर क्या है कि अगर कोई कोई इंसान है, अगर वो कोई हैंडीकैप्ड है या वो उसको उसको अगर मान लो कि चलने फिरने में तकलीफ है, अगर उसको मूवमेंट करना है, तो ये चीज, ये प्रोडक्ट जो डिजाइन किया गया होगा, जैसे हम व्हील चेयर बोल रहे हैं, तो हमने सोचा होगा कि उसकी नीड क्या है कि वो खुद उसको कंट्रोल कर सके, तो पाओ में इसके ब्रेक, उसके पैडल जो है उसमें ब्रेक है, है ना, यहाँ से वो क्या कर सकता है, पकड़ के उसको मूव कर सकता है, यहाँ पे वो अपने आप को इस सीट में कंफर्टेबली अपने आप को अकोमोडेट कर सकता है। तो हमने कहा प्रोडक्ट पहले ये चीज नहीं थी, तो उसके पहले अगर अगर ये चीज हमने डिजाइन करी है तो पहले हमने क्या सोचा होगा कि कोई ऐसी चीज बनाए जो हैंडीकैप पर्सन है उसको क्या कर सकते, वो खुद अपने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, चला सके, मूव कर सके, जी सके, तो उसके लिए हम एक ऐसी चीज डिजाइन करें कि उसके लिए हेल्पफुल हो, है ना। तो हमने ये चीज इसके लिए डिजाइन करी, तो उसको डिजाइन करने से पहले हमने सोचा होगा कि उसको कैसे बनाएं कि इस आदमी को पूरा कंप्लीट हेल्प करे, तो यहाँ कोई फंक्शन हो, यहाँ कोई फंक्शन हो, इसमें मोटर हो तो स्पीड हो, ऐसा कोई फंक्शन हो, तो ये हमने कोई प्रोडक्ट सोचा, फिर हमने इसको बनाया। अब जैसे साइकिल है, अब साइकिल है तो साइकिल को भी पहले सोचा होगा कि अब इस चीज से ये प्रोडक्ट अलग है, इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अलग है, या इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अलग है, या किसी भी प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट अलग कैसे, क्योंकि हर बार हमने क्या करा होगा, अपनी नीड्स देखी होगी या अपनी वॉन्ट्स देखी होगी, है ना, या अपने डिजायर्स देखी होगी, और उसके बाद में इनको देखते हुए हमने क्या करा होगा, किसी चीज को हमने बनाया होगा। तो कोई चीज अपनी क्या है, ये स्टार्टिंग है, और ये क्या चीज अपनी फाइनल है, तो ये बिगेनिंग से लेकर एंड तक हमारे जितने भी बीच के सारे स्टेप्स हैं वो अपने क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर आ जाएंगे। तो ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग डिजाइनिंग है, और उसके बाद में अलग अलग उसका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग, ओके। चलो जी, अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की, तो देखो एक एक टॉपिक में एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये वाला, अब ये वाला चीज आपने कभी लाइफ में देखी है, सॉरी देखी है क्या ये चीज, देखी है इसको, देखिए इसको पर्सनल जेट,
हाँ, इसको पर्सनल जेट पैक बोलते हैं। पर्सनल जेट पैक में क्या होता है, एक मशीन है और इसने पूरा अपने, जैसे आप अपना बैग लटकाते हो ऐसे लटका रखा है, पूरा अपने आपको पूरा कंप्लीट कवर कर रखा है, बांध रखा है। और इसके हाथ में ना दो रिमोट है, ठीक है, और ये क्या कर रखा है, हवा में उड़ सकता है। इस डिवाइस की जरूरत कब पड़ेगी, पर्सनल जेट पैक की जरूरत कब पड़ेगी, जैसे हवा में एक आप देखते हो हवा के अंदर वो बड़े से जो पैराशूट होते हैं, उन पैराशूट के अंदर आप जैसे उड़ रहे हो या आप फन कर रहे हो, तो उस समय मान लो पैराशूट अगर फट जाए तो आप तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, एक्सीडेंटली यू कैन डाई, है ना। तो उस चीज से बचने के लिए अगर ये डिवाइस पहना दिया जाए तो आप इन रिमोट्स को कंट्रोल करते करते क्या कर सकते हो, सही जगह लैंडिंग और सही स्पीड से नीचे आ सकते हो। सो इट कैन हेल्प यू, इट कैन हेल्प यू, ठीक है। तो दिस इज पर्सनल जेट पैक। तो ये भी चीज हमने, अब ये चीज भी अभी रिसेंट भी आया होगा क्योंकि पहले कभी एक्सीडेंट्स हुए होंगे तो उन्होंने एक्सीडेंट से अपने आप को बचाने के लिए हमने कोई चीज सोची होगी, उसके बाद में हमने डिजाइन करी होगी, उसके बाद में हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, हमने देखा कि भाई एक फंक्शन कर रही है तो इसको और ज्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, तो हाँ ये हेल्पफुल है तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है ना। हाँ अब देखो कोई भी प्रोडक्ट आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट आपकी इस काम को पूरा करने के लिए बनाना चाहिए। अब जैसे सोचो, कभी ये सोचा होगा किसी ने कि ये एक घड़ी है। अब घड़ी पहले नहीं हुआ करती थी तो उससे पहले वक्त लोग टाइम कैसे देखा करते थे, याद है आपको, आपने जयपुर का जंतर मंतर देखा है किसी ने? हाँ मैम, संडायल बिल्कुल, उससे क्या होता था, उस तरीके से कुछ डिजाइन्स बनी हुई है ना, और उनपे कुछ लाइंस बनी हुई है, फिर सूरज की रोशनी उनके ऊपर गिरेगी, फिर उस सूरज की रोशनी कहाँ पे गिरेगी, उतने बजे होंगे, यहाँ पे गिरी होगी तो इतने बजे होंगे, राइट। तो वो भी तो एक तरीके की इंजीनियरिंग है, क्या नहीं है, इंजीनियरिंग है। सोचा आपने कि वहां पे वो जो है वो जंतर मंतर में सब तरीके का मौसम हालचाल ये वो सब बता बता देते थे, तो कभी देखना जंतर मंतर, दैट इज वेरी साइंटिफिक एंड टेक्निकल थिंग। लेकिन वहां जा जाके वो तो राजा महाराजा देख लेते थे वहां जाके टाइम, लेकिन आम आदमी को भी टाइम का अनुमान सही एग्जैक्ट पता चले, तो इस चीज के लिए फिर हमने सोचा होगा कोई ऐसी चीज हो जो हमको एक्यूरेसी के साथ में और पूरी दुनिया को एक ही टाइम एक ही वक्त में बताए, तो फिर उसके लिए कोई चीज तो हो दुनिया में, तो हमने सोचा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर हम उसको क्या करें, बनाए, ताकि वो हमारी वक्त की जो हमारे टाइम की जो जरूरत है, टाइम को बताने की जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। तो ये फिर वॉच है, राइट, ये वॉच है, तो वॉच हमने सोचा। अब वॉच के कितने पार्ट्स हैं, देखो वॉच का एक तो बैंड है, ये इसके छोटी मोटी उसके टूल्स हैं, कील वगैरह है, ये उसका ग्लास है, ये उसके अंदर का डायल है, ये अंदर के अलग अलग छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इन सबको डिजाइन करके हमने एक टूल बनाया, दैट इज अपना रिस्ट वॉच, विच विल टेल यू टाइम एंड दैट विल फुलफिल योर नीड ऑफ नोइंग द टाइम, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को सोचा था, फिर हमने इस प्रोडक्ट को बनाया, डिजाइन किया, डिजाइन का मतलब क्या है, बनाया। फिर हमने बनाया कैसे, बनाया कैसे कि भाई आपको टाइम जो देखना है, फिर उस टाइम को देखना है तो कोई डिवाइस है, तो डिवाइस को कहाँ बांधोगे, पाओ में बांधोगे कि गले में बांधोगे कि हाथ में बांधो, तो कंफर्टेबल कहाँ है, चलो हाथ में लगा, हाथ में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि हाथों का मूवमेंट सारे दिन होता है और कलाई जो है वहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो हमने पहले क्या करा, सोचा, फिर हमने इसको डिजाइन किया, फिर हमने इसको बनाया। और प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद में प्रोडक्ट्स को बनाता कौन है, अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन कौन करता है, डिजाइनर्स, कौन डिजाइन करेगा प्रोडक्ट को, डिजाइनर्स, डिजाइनर डिजाइनर्स डिजाइन करेंगे। हम उनके सामने आइडियाज रखेंगे कि भाई ऐसी ऐसी जरूरतें हैं डिजाइनर्स के सामने अपने कंपनी में, तो वो फिर चीजों को बनाएंगे कि देखो आपकी जरूरतों को अगर आप इस तरीके से बैंड करके ऐसे अगर हम आपको जरूरत पूरा कर दे तो चलेगा क्या, तो बोलेगा हाँ ये परफेक्ट है, तो चलो ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल बना के लेके आओ और इसको यूज करके देखते हैं। और वो अब क्योंकि कोई भी चीज को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसका यूज है तभी तो वो बिकेगा, और वो यूजफुल ही नहीं है, हमारे किसी काम का ही नहीं है तो हम क्यों खरीदेंगे उस चीज को। तो डिजाइनर्स क्या करेंगे, उस चीज को बनाएंगे, फिर वो इंजीनियर्स के सामने लाएंगे, फिर इंजीनियर्स अपना दिमाग लगाएंगे कि उस चीज को किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली हम उसको तैयार करें। सो प्रोडक्ट डिजाइन क्या है, अगेन देखो, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनर्स यूज टू ब्लेंड यूजर्स नीड विद द बिजनेस गोल्स। अब जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट अगर बना के मार्केट में कौन लाएगा, भाई बिजनेसमैन लाएगा, हु विल ब्रिंग इट, बिजनेसमैन, एंड हाउ, विद कंप्लीशन ऑफ इट्स गोल्स, वो अपने गोल्स को पूरा करेगा, मोर एंड मोर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है, दैट ही विल डू।
तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कोई भी जैसे ये बल्ब है, अब ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि देखो स्केचिंग करनी पड़ती है, कोई भी प्रोडक्ट सोचने के बाद में उसको ऑन पेपर लाना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने से पहले आप ऑन पेपर एक टाइम टेबल बनाते होंगे, रफ आइडिया बनाते होंगे कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ाई करूंगा, ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ाई करने बैठते हो। उसी तरीके से यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, उसको एक आइडिया को लेके आ रहा है ऑन पेपर, और ऑन पेपर लाने के बाद में ही चीजें तैयार होती है। तो दैट इज द डिजाइन, ठीक है। डिजाइन का मतलब, डिजाइन तो होती है पर डिजाइन का मतलब और एडवांस लेवल पे और ब्रॉड लेवल पे क्या क्या है अपना, राइट। अब नेक्स्ट चीज क्या कहता है अपन को कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स कैन प्रोडक्ट डिजाइनर्स मेक, क्या क्या चीजें बना सकता है। तो वापस इसने कहा कि देखो पहले तो प्रोडक्ट ही आप अच्छी तरह से समझो कि प्रोडक्ट इज एनीथिंग, प्रोडक्ट कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, चाहे वो आपका मोबाइल ऐप हो, चाहे कोई न्यू डिजिटल फीचर हो, चाहे कोई टेंजिबल आइटम हो, चाहे वो दैट्स ऑल्सो कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड प्रोपेल्स अ बिजनेस फॉरवर्ड इन देयर मार्केट। मतलब प्रोडक्ट डिजाइन कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल ऐप हो सकता है, कोई डिजिटल फीचर्स हो सकता है, कुछ भी टेंजिबल आइटम इनटेंजिबल आइटम हो सकता है जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को या कंज्यूमर की जरूरतों को पूरा कर दे, एक प्रोडक्ट वो चीज होती है। एंड प्रोपेल्स अ बिजनेस, और बिजनेस को क्या करता है, प्रोपेल करता है टू बिजनेस फॉरवर्ड इन द मार्केट। प्रोपेल्स मतलब उसको बनाने को कहता है कि अब आपको बनाना है, ठीक है, एंड ग्रो, हाँ ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना, मैन्युफैक्चर करना है, यहाँ पर ग्रो करना भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। इन दिस तो मतलब एक बार कोई चीज अगर प्रोडक्ट को बनाना है, देखो प्रोडक्ट को बनाना, उसको इंजीनियरिंग करना, वो इंजीनियर करेगा, डिजाइनर करेगा, लेकिन उसको मार्केट में लॉन्च करने का काम किसका है, एक बिजनेस का काम है, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स कैन बी ड्यूरेबल, प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, ड्यूरेबल भी हो सकते हैं। ड्यूरेबल का मतलब जो कई दिनों तक, कई सालों तक चलेगा, जैसे आपके कोई भी अप्लायंसेस आपके घर में। अच्छा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मतलब एक तो ड्यूरेबल हो सकता है, एक होता है कि कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल का मतलब होता है कि आपने खा लिया खत्म हो गया, यूज किया खत्म हो गया, जैसे आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है, आपने खाया खत्म गायब, ठीक है, तो वो ड्यूरेबल नहीं है, वो नॉन ड्यूरेबल है। तो प्रोडक्ट कैन बी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, दे कैन बी टेंजिबल्स लाइक फिजिकल आइटम, दे कैन बी इनटेंजिबल्स लाइक ऐप और एनी काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, तो ये तो हो गया अपना प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब क्या कहता है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट को डिजाइन करने का आपने सोच लिया, जैसे हमने कहा रिस्ट वॉच, आपने उसको सोचा कि हम क्या करेंगे, रिस्ट वॉच बनाएंगे, हमने उसको डिजाइन भी कर लिया, ठीक है। फिर देन टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रोडक्ट शुड लुक लाइक लॉजिस्टिकली, लॉजिस्टिकली मतलब उसको टेक्निकली अगर हम उसको बनाना पड़े फिर बाद में वो दिखने में कैसा दिखेगा बनने के बाद में फाइनली, तो प्रोडक्ट डिजाइन होगा फिर प्रोडक्ट फाइनली दिखेगा कैसे, उसके बाद में हम क्या करेंगे ये देखेंगे। व्हाट विल इट सॉल्व फॉर यूजर्स, हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है यूजर्स की के किस नीड को पूरा करेगा या किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हाउ विल यू क्रिएट इट, ये प्रश्नों के उत्तर साथ साथ आपको देने हैं कि आप उस प्रोडक्ट को फिर बनाओगे तो बनाओगे कैसे। व्हाट फीचर डज इट नीड, आप प्रोडक्ट जो बनाओगे उसमें क्या क्या फीचर्स आपको इनबिल्ड करने होंगे। हाउ मच इट ट्रूली कॉस्ट यू टू प्रोड्यूस, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी कीमत आपको क्या आने वाली है। अच्छे से अभी एग्जांपल मैंने आपको जेट पैक तो दिखा दिया, अब जैसे एक एग्जांपल है कि एक पर्सनल जेट पैक है, इट माइट बी टेक्निकली फीजेबल, बहुत अच्छा है आपके लिए, फीजेबल है, ड्यूरेबल है एंड डिजायरेबल टू एंड यूजर्स, और एंड यूजर्स को यूज भी करना चाहते हैं, बट इफ दे आर ओनली विलिंग टू पे $200 फॉर इट, उनकी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा वो ऐसी चीज का $200 यानी 200 तक ही पे करना चाहते हैं, लेकिन जब आप उसको बनाते हो तो कंपनी को खुद को कॉस्ट कितनी आ रही है, $500 आ रही है, तो इट्स गोइंग टू फेल, मतलब फेल का मतलब ये प्रोडक्ट फिर मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी 500 में बनाकर $200 में नहीं बेचेगी, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी कॉस्ट भी तो आपको मैटर करेगी, है कि नहीं, उसकी कॉस्ट भी तो आपको मैटर करेगी, यानी कि प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर हमको कितनी चीजें देखनी है, प्रोडक्ट के बाद में प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च होने तक हमको बहुत सारी चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट को भी मैटर करता है, तो कॉस्ट यहाँ पर हमको अगर फिजिबल नहीं है तो हम इस चीज को नहीं बनाएंगे, चाहे ये कितने भी यूजफुल हो, राइट। तो हम लोग दूसरा टॉपिक अपना क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन। पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट की, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या जरूरत है, क्या ये क्या महत्वता है। अच्छा हमने ये तो समझ लिया कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट, देखो अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही मार्केट में आप
एंटर कर पाओगे। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या यूजफुल नहीं है या यूजफुल है तो कम यूजफुल है, तो आप उसको लेके मार्केट में नहीं रह पाओगे, आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। तो कोई प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है ये जरूरी है, फिर अच्छा है तो मार्केट में एंटर कर पाओगे, ठीक है? राइट राइट हाँ। अब इंपॉर्टेंस पढ़ने लगते हैं, तो पहले इंपॉर्टेंस पे आते हैं। अब जैसे क्या कहता है आपको, देखो आपका कोई भी जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपके, देखो आपका कोई भी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट जो है, ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोडक्ट डिजाइन। आपका कोई भी प्रोडक्शन आप करोगे, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया फिर भी, लेकिन यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए था, मुझसे गलत हो गया, ऊपर चला गया। आपका कोई भी प्रोडक्शन है या आपका कोई ऑपरेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोडक्ट डिजाइन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे या प्रोडक्शन करोगे, वो डिपेंड किस पे करता है कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, तो उसके प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस करेगा प्रोडक्ट डिजाइन से। क्या मतलब है इसका? प्रोडक्ट डिजाइन ही फाइनली अपील करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा ना कंज्यूमर को। हाँ, तो देखो इसके लिए आपको नीचे के पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, एज प्रोडक्ट्स आर डिजाइन, जब प्रोडक्ट आप डिजाइन करते हो, ऑल द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आर एस्टेब्लिश्ड। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर डिजाइन करते हो, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप सोचते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊ, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ तो उस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अभी फीचर्स है, तो उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होंगे। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आप मार्केट में इसलिए थोड़े लेके आ जाते हो कि भाई मोबाइल बड़ा दिखता है और मोबाइल में बात होती है, आप उसके सारे फीचर्स देखोगे क्या, आप उसकी रैम वगैरह चेक करोगे, मेमोरी वगैरह चेक करोगे, है ना, और उसका बैटरी बैकअप चेक करोगे, और कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो चेक करोगे, तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करके ही तो आप मार्केट में उसको लेके आते हो। तो अगर वो चीज चेक करेंगे तो, यानी कि वो फीचर्स चेक करते हो, तो आप क्या करा, आप फीचर्स का मतलब क्या है, जब आप एज प्रोडक्ट्स आर डिजाइन ऑल द फीचर्स आर एस्टेब्लिश्ड, तो हम उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते वक्त उसके अंदर क्या करते हैं, उसकी फीचर्स भी इनबिल्ट करते हैं, यानी कि हम उसकी यूटिलिटी, उस फीचर्स का मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, फीचर्स का मतलब क्या है, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, यानी कि वो चीजें जो आगे किसी की नीड्स को फुलफिल करे। प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त हमको उसके अंदर कुछ फीचर्स डालने पड़ेंगे, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी पड़ेगी, ऐसी नीड्स उसके अंदर इनबिल्ट करनी पड़ेगी जो आगे जाके अगले की जरूरतों को पूरा कर सके, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कहता है कि ईच प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ द प्रोडक्ट कैन बी मेड। अब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, कोई भी फीचर्स हो, आपका प्रोडक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और प्रोड्यूस, है ना, क्या करोगे, कोई भी फीचर, आपने सोचा एक कैमरा नहीं होता है, पहले कैमरा, बिना कैमरा के मोबाइल आते थे, फिर हमने कैमरा वाले मोबाइल सोचे कीपैड में, तो अगर आपने कैमरा का सोचा, कैमरा फीचर्स के अंदर एंटर कराने का सोचा, तो वो भी क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। ईच प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली अफेक्ट्स हाउ द प्रोडक्ट कैन बी मेड, उसको कैसे बनाना है, क्योंकि फिर आपको कैमरा लगाना है तो उसकी इंजीनियरिंग देखनी पड़ेगी, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी पड़ेगी, फिर वो किस टेक, अच्छा वो कैमरा है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, फिर उसको अलग तरीके से डिजाइन करके उसको अलग तरीके से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो हर फीचर क्या करता है, जैसे जैसे आप फीचर्स को एड ऑन करते जाओगे, दो फीचर्स में अगर आप 6 फीचर्स बनाना चाहते हो, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी, आपका प्रोडक्ट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का डिजाइन भी चेंज हो गया। अब कीपैड से अगर आप स्मार्टफोन पे स्क्रीन वाला मोबाइल ले रहे हो, तो स्क्रीन वाले मोबाइल के अंदर वो प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स की वजह से मोबाइल का पैटर्न चेंज हो गया, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग ही चेंज हो गई। तो भाई जो सोचोगे, जो फीचर्स सोचोगे, वही फीचर्स क्या होगा आपको, आपको उस फीचर्स के हिसाब से आपकी चीज का क्या हो जाएगा, लुक बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, शायद नेक्स्ट क्लास आपकी एंटर कर गई है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में वैसे ही दो पॉइंट छोड़ देती हूँ करके मैं, हाउ द प्रोडक्ट इज मेड, आप प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाओगे, डिटरमाइंस द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन डिजाइन विच इज द हार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, हाउ द प्रोडक्ट इज मेड, आप प्रोडक्ट को कैसे बनाने वाले हो, हाउ द प्रोडक्ट इज मेड डिटरमाइंस द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। अब प्रोडक्ट को आप कैसे बनाने वाले हो, किस सिस्टम से, किस टेक्नोलॉजी से उसको बनाने वाले हो, कोई चीज हैंडमेड भी हो सकती है, कोई चीज मशीन मेड भी हो सकती है ना,
तो किस चीज को आप बनाने वाले हो उसका प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर भी आपको अफेक्ट डालता है, या आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि भाई किस तरीके का आपको प्रोडक्शन सिस्टम यूज करना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके प्रोडक्शन सिस्टम का एक हार्ट है। तो मेन मुद्दा क्या है कि हाउ द प्रोडक्ट इज मेड, दैट विल डिटरमिन द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, आपकी मशीनें कौन सी होंगी, आपके औजार पाने कौन से होंगे, ठीक है, तो वो भी आपके अलग होंगे। अगर प्रोडक्ट अलग होगा तो मशीन्स भी अलग होंगी, तो आपका डिजाइन अगर प्रोडक्ट का अलग है, सब पॉइंट में प्रोडक्ट डिजाइन अफेक्ट होती है ना, प्रोडक्ट डिजाइन अफेक्ट होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन आपने कौन से तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन मतलब आपने कौन से स्टाइल का प्रोडक्ट सोचा है। एक सिंपल कीपैड वाला अगर मोबाइल है तो वो अलग मशीनों पे बनेगा, एक स्मार्ट वाला मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है तो वो अलग मशीनों पे बनेगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे बनेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टूल्स ऐड होने वाले हैं और इसके अंदर अलग अलग टूल्स ऐड होने वाले हैं, तो इनकी क्या है प्रोडक्शन सिस्टम भी तो फिर अलग अलग यूज होगा, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट डिजाइन आपका अलग है तो प्रोडक्शन सिस्टम भी आपका अलग हो जाएगा। तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनाओगे उस तरीके की आपका प्रोडक्शन सिस्टम भी होगा। भाई प्रोडक्ट आपने अगर आयरन बनाना है, आयरन मतलब कि कपड़े आयरन करने वाली जो होती है प्रेस जिसको बोलते हैं, या आपको मशीन वॉशिंग मशीन बनाना है तो वॉशिंग मशीन का एक प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया तो उसका प्रोडक्शन सिस्टम भी तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि जो चीज आयरन बना सकती है वो वॉशिंग मशीन नहीं बना सकता, जो मोबाइल बना सकता है वो आयरन नहीं बना सकता है। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? तो आपका प्रोडक्ट कौन सा वाला बनाओगे उसी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा वाला यूज करोगे। तो प्रोडक्शन सिस्टम का देखो, अगर चीज अलग है तो मशीनें भी तो अलग है, अगर चीज अलग है तो मशीन अलग है, तो मशीनों का तो डिजाइन भी बदल गया ना, यानी कि मशीनें भी तो बदल गई, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट डिजाइन बाद में प्रोडक्ट क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है, इसको हम कल देखते हैं, ठीक है, ठीक है जी मैम। इसमें